बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ये बेटा क्वेश्चन है पास पेपर से, ओलिवर सैलून के नाम से 313 BPP की किट जून 9 का। अब देखते हैं जी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो कैलकुलेट द एवरेज प्राइस, प्राइस कैलकुलेट करनी है फॉर हेयर सर्विसेज पर मेल एंड फीमेल क्लाइंट फॉर ईच ऑफ द ईयर 2008 एंड 18 एंड 19। प्राइस कैलकुलेट करनी है। ये देखिए ये बेटा इस तरह के कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखा करें, क्योंकि क्वांटिटी जो होती है ना उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बनती है। तो यानी रेवेन्यू जो है ना वो क्वांटिटी एंड प्राइस की मल्टीप्लिकेशन होती है, कम्बिनेशन। अगर आपको रेवेन्यू पता हो तो आप क्वांटिटी पे नंबर ऑफ यूनिट नंबर ऑफ क्लाइंट पे डिवाइड करेंगे तो आपको प्राइस पता चल जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, इधर आके डिवाइड है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शेयर रेवेन्यू यहाँ पे गिवन है, सेल टोटल रेवेन्यू गिवन, इसका मतलब रेवेन्यू गिवन है तो क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी प्राइस। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहता जी ओलिवर इज द ऑनर एंड मैनेजर ऑफ ओलिवर ए सैलून विच इज क्वालिटी हेयर ड्रेसर दैट एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। द सैलून ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड रेंज ऑफ हिज हेयर सर्विस टू फीमेल क्लाइंट इंक्लूडिंग कट कलरिंग स्ट्रेटनिंग। ए ईयर एगो एट द स्टार्ट ऑफ नाइन के स्टार्ट पे ओलिवर डिसाइडेड टू एक्सपेंड हिज ऑपरेशन टू इंक्लूड द हेयर ड्रेसर नीड ऑफ मेल क्लाइंट। यानी प्रीवियस ईयर वो सिर्फ इस क्वांटिटी में फीमेल शामिल है और न्यू ईयर में मेल भी है फीमेल भी, क्योंकि मेल सर्विसेज भी उसने स्टार्ट की है। मेल हेयर ड्रेसर ड्रेसिंग प्राइसेस आर लोअर द वर्क सिंपलर एंड सो द टाइम टेकन पर मेल क्लाइंट इज मच लेस। द प्राइसेस फॉर द फीमेल क्लाइंट वर नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द होल ऑफ 18 एंड 19। प्राइसेस सेम। अब देखो ना ये 200,000 रेवेन्यू है तो 200,000 रेवेन्यू ये सारा का सारा किससे आया था, फीमेल क्लाइंट से। तो आपको अगर फीमेल के नंबर ऑफ क्लाइंट पता है तो डिवाइड करोगे तो उसकी प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल है, नंबर ऑफ कंप्लेन नंबर ऑफ मेल क्लाइंट नंबर ऑफ फीमेल क्लाइंट। लास्ट ईयर नंबर ऑफ फीमेल क्लाइंट 8,000 थे तो इस पे डिवाइड करोगे तो 25 की प्राइस आ गई, 8 की तो आ गई। अब 9 में अब टोटल रेवेन्यू 238,500 का। अब उसमें दो हैं क्लाइंट, एक फीमेल क्लाइंट है और एक मेल क्लाइंट। अब ये रेवेन्यू इन दोनों में अपोर्शनड होगा तो फीमेल क्लाइंट के नंबर देखो, क्योंकि उसने कहा प्राइस चेंज नहीं हुई, प्राइस सेम है। नंबर देखें इसके कि नंबर ऑफ क्लाइंट कितने फीमेल के, 6,800। तो 6,800 अगर फीमेल क्लाइंट है तो 6,800 मल्टीप्लाई टू 25, 170,000 रेवेन्यू टू फीमेल क्लाइंट का। तो रिमेनिंग मेल क्लाइंट का 230,500 रेवेन्यू, यानी मेल का रह गया जी 68,500। अब मेल के नंबर जो है नंबर ऑफ क्लाइंट उस पर डिवाइड करोगे तो उसकी प्राइस आ जाएगी। तो वो नॉन फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल है, मेल क्लाइंट को पिछले साल तो 0 थे, अभी क्या है 3,425। तो 3,425 पे आप डिवाइड करें तो 68,500 3,425 पे डिवाइड तो इनकी प्राइसेस आती 20। फीमेल क्लाइंट क्योंकि उसका उनका वर्क हेयर ड्रेसिंग कम्प्लेक्स होती है, लंबे बाल होते हैं ना, तो मेल की प्राइस कम है क्योंकि सिंपल वर्क। एनी हो वो हमें इस रिक्वायरमेंट से ऐसा घर से नहीं था, हमें घर से है बाकी चीजों से। यहाँ पे कहता है असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द सैलून यूजिंग द डाटा अबव। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल डाटा की बेसिस पे कैलकुलेट होती है और एनालाइज एंड कमेंट
असेस, एनालाइज, कमेंट, डिस्कस, एक्सप्लेन, कुछ भी कहेंगे तो कमेंटिंग करनी पड़ेगी। ऑन द नॉन फंक्शनल परफॉर्मेंस ऑफ ऑलिवर सैलून अंडर हेडिंग ऑफ क्वालिटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब पहले उसने फाइनेंशियल कैलकुलेट कराई, फिर उसने कहा नॉन फाइनेंशियल क्वालिटी चेक करें और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मैं अभी आपको एक बात बताने लगा। अब देखिए, फाइनेंशियल भी चेक कर लिया, एक, क्वालिटी, दो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तीन, ठीक। अब ये तीनों हेडिंग अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के हैं। उसमें टोटल सिक्स डायमेंशन है, एक फाइनेंशियल, एक क्वालिटी, एक रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एक कंपेटिटिवनेस, तो मार्केट में कंपेटिटर की निस्बत उनकी पोजीशन क्या है, और फ्लेक्सीबिलिटी, और इनोवेशन। ये सिक्स डायमेंशन। कल देखें, ये क्वेश्चन पे आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं देता, वो कहते हैं अप्लाई करें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो इसका मतलब आपने कुछ रेशियो कैलकुलेट करने, फाइनेंशियल, कुछ रेशियो यंग ग्रोथ, फाइनेंशियल, कुछ क्वालिटी, कुछ रिसोर्स, कुछ कंपेटिटिव, कुछ अपना फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ इनोवेशन। यानी एक एक दो दो कैलकुलेट करके एंड पे कंक्लूड कर दे कि ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन है, लेकिन उसने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल करके पूछा हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो इससे आपका बिल्डिंग ब्लॉक भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, सिंपल ग्रोथ देखा करें। ये करंट ईयर करंट से प्रीवियस लेस करके प्रीवियस क्यों कंपेटिटिव डेटा है, जिसे कंपेरेटिव कहते हैं, तो उसे लेस करके दोनों का डिफरेंस लेके प्रीवियस पे आप डिवाइड करेंगे तो 38,500 प्रीवियस 200,000, तो ये सेल की ग्रोथ बन गई जी 19.25%। और वैसे एक बात मुझे और याद है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल सर्विसेज पे लगता है और ये सैलून सर्विसेज का बिजनेस होता है, प्रोडक्शन का नहीं होता। हेयर ड्रेसेस स्टाफ कॉस्ट 65 है, ये 91 है। इन दोनों का डिफरेंस ले, इन दोनों का डिफरेंस लेके फिर 65 पे डिवाइड कर दें। ये 40% है। अब फीमेल हेयर प्रोडक्ट, ये मटेरियल जो हेयर पे लगता है, 29 से 27 कम हुआ है ये, जरा 29 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 29, तो ये तकरीबन 7%, 6.8% कम होगा। ये इसका तो कंपैरेटिव अवेलेबल नहीं, क्योंकि मेल क्लाइंट तो नई सर्विस है। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आता होता तो इसे सेल पे डिवाइड करते हैं ना, परसेंटेज लेते हैं, जीपी मार्जिन, इसको रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकियों का ट्रेंड कैलकुलेट कर लेते हैं, रेशियो जहां दा लगे। तो जीपी मार्जिन 53% है, और नेक्स्ट ईयर फोर्टी 7% है। रेंट की कास्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स है, कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। 9,095, तो 500 का डिफरेंस है 9,000 पे डिवाइड, तो 5.5% इसमें चेंज आया। और ये वह चीज जो है वो डिक्रीज हुई है। अच्छा, 7,000, 8,001 बाई 14.2% का चेंज आया। अब 2 और 5, 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 150% का चेंज आया। इस तरह ये टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट को तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं, टोटल प्रॉफिट को सेल पे डिवाइड करते हैं तो 39% का। नेक्स्ट ईयर 80 है, सेल टू 38,
80,000 डिवाइडेड बाई 238,500, तो ये 33.5%, 39%। अब इनको डिस्कस करना फाइनेंशियल को आसान हो गया। डिस्कस जब आपने करना है तो फिर सिचुएशन को आपने रीड करना है, क्योंकि इसे लिंक करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे देखिए आपको बताना होता है कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, कॉज रीजन क्या है, और एग्जामिनर लोग कहते हैं रीजन सिनेरियो में लिंक करके बतानी है और अवेलेबल होता है कोई ना कोई क्लू। अब देखे ना, रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ 19.25%। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि प्रीवियस ईयर वो जस्ट फीमेल को सर्विसेज दे रहे थे, अब फीमेल को भी दे रहे हैं और मेल को भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्लाइंट आ रहा है, दो तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज आ जाएंगे, तो ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर देगा। इफेक्ट क्या होगा कि आप बिजनेस ऑपरेशन को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा, ये एड्रेस स्टाफ कॉस्ट लेबर, ये 40% चेंज हुई, इंक्रीज आया। अब इसके बारे में कोई ना कोई क्लू दिया होगा। लेबर इज डिसअपॉइंटेड विद हिज फाइनेंशियल रिजल्ट, ही थिंक द सैलून इज मच बिजियर देन ईयर एंड एंड वाज एक्सपेक्टेड मोर प्रॉफिट। ही हैज नोटेड द फॉलोइंग इन पब्लिक, सम फीमेल क्लाइंट कंप्लेंट अबाउट द चेंज इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि मेल इंट्रोड्यूस हो गए तो फीमेल कंप्लेंट कर रही है कि माहौल खराब हो गया, विच क्रिएटेड टेंशन इन सैलून। टू न्यू स्टाफ वाज रिक्रूटेड, द फर्स्ट वाज जूनियर हेयर ड्रेसर टू सपोर्ट द स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर फॉर फीमेल क्लाइंट, शी वाज अपॉइंटेड ऑन सैलरी ऑफ 9,000। सेकंड न्यू स्टाफ वाज स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर फॉर मेल क्लाइंट, देयर वाज नो इंक्रीज इन पे। कि ये जो 40% का इंक्रीज आया, इसमें पे रेट भी इंक्रीज हुआ, सैलरी लोगों की इंक्रीज नहीं हुई, सिर्फ ये कि दो स्टाफ मेंबर जो है फर्दर इंक्रीज हुए, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, जिसकी वजह से पे रेट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ज़ारा पे रेट, अब पे रेट भी इंक्रीज हुआ, टोटल पे इंक्रीज हुई। टोटल पे ज़ारा डेफिनेटली मेल सर्विस स्टार्ट की वो तो रिक्वायर्ड है ही है, बाकी जितना आप अपने स्टाफ को यूटिलाइज बेहतर करोगे, इसे रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी कह सकते हो, उतना बेनिफिट ज्यादा होगा। फिर हेयर प्रोडक्ट फीमेल क्लाइंट 29,000 थी, अब क्या है 27,000, 7% हेयर प्रोडक्ट का यूजेज कम हुआ। ये क्यों कम हुआ? ये यूजेज हेयर प्रोडक्ट का इसलिए कि यहाँ पे देखे कि अभी हमने कैलकुलेट किया फीमेल क्लाइंट लास्ट ईयर 8,000 थी, अभी 6,800 है। नंबर ऑफ फीमेल क्लाइंट कम हो रही है, तो अल्टीमेटली जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम हो तो कास्ट जो होती है प्रोडक्ट कास्ट वो कम हो जाए। तो इसका तल्लक किससे है कि नंबर ऑफ क्लाइंट के काम होने से तल्लक। हाँ, प्रीवियस ईयर जीपी था 53%, इस साल 37%, जो कि रेवेन्यू हालांकि इंक्रीज हो रहा है लेकिन जीपी जो है उसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। हालांकि ये इंक्रीज होना चाहिए। क्यों डिक्रीज हुआ? कि अब आपके पास प्रपोर्शन जो है मेल क्लाइंट का ज्यादा है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम, फीमेल क्लाइंट का प्रोपोर्शन आपके पास कम है जहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हाई है। तो अल्टीमेटली और आपके बिजनेस जो है फीमेल क्योंकि क्लाइंट लूज किया, तो आपसे डेफिनेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी। फिर रेंट का तो कोई मसला नहीं था, एडमिन सैलरी इंक्रीज हुई, ये लिटिल बिट इंक्रीज, फीमेल कंप्लेंट रेट, कस्टमर केयर जो होती है कस्टमर फीडबैक केयर, उनकी कंप्लेंट को डील करने के लिए वो, इस वजह से एडमिन कास्ट इंक्रीज हुई। वैसे भी मेल को भी तो एडमिनिस्ट्रेट करना था ना। अब एडवर्टीजमेंट इलेक्ट्रिसिटी 7,000 से 8,000, 14%। तो वो जो उसने कहा जी पहले से वो बिजी रहा है सैलून विच, मच बिजी, ज्यादा बिजी रहेगा, अगर ज्यादा टाइम ओपन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस जो है वो इंक्रीज होंगे। तो एडवर्टाइजिंग का 2,000 से 5,000, तो 150% बढ़ी। क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपने नई सर्विसेज स्टार्ट। देखे, एक होती है मार्केटिंग, रूटीन मार्केटिंग जो करते करनी पड़ती है, एक होती है लॉन्च मार्केटिंग, जब न्यू प्रोडक्ट और सर्विस स्टार्ट करो तो लॉन्च मार्केटिंग की वजह से आपका हाई एडवर्टीजमेंट कास्ट है। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखो तो 39% से 33.5% कम हुआ,
लेकिन उसमें ये भी है ना रूला कि नॉर्मल मार्केट से आप लॉन्च मार्केट की ये वन टाइम आपको पढ़नी, फिर इसके बाद ये दोबारा आपको लॉन्च मार्केटिंग की क्लास पेयर करने की कोई जरूरत नहीं होगी, अभी तो आपको जरूरत है। और बाकी वही वाली बात की अगर वो फीमेल क्लाइंट के टर्न ओवर को, चर्न आउट रेट के तौर से टर्न ओवर उसको इन्होंने डिक्रीज ना किया तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की जो है वो कम होगी, फिर रिप्लेस हो जाएगा ना सैलून में फीमेल से भी मेल में। और यहाँ पे देखें नॉन फाइनेंशियल में अगर तो कहते हैं जी क्वालिटी, देखें क्वालिटी कहाँ से पता चलती होती है, हमेशा नेगेटिव चीजों से, जैसे रिटर्न रेट क्या है, कंप्लेंट रेट क्या है, डिले क्या है, जो नेगेटिव चीजें होती है वो आपकी क्वालिटी को शो करती होती है, वेस्टेज क्या है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट प्रीवियस 12 थी, अभी क्या है 46 है, तो परसेंटेज में बात करते हो तो डिजिट में ना कर बैठ रहा हूँ, 46 - 12 डिवाइडेड बाई 12 कंप्लेंट रेट आपका माशाल्लाह 283% जो है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वही मेल सर्विसेज की वजह से फीमेल एग्जिस्टेड कहते हैं ये एटमोसफेयर खराब हो गया, तो जिसकी वजह से कंप्लेंट रेट बढ़ गया, कंप्लेंट रेट बढ़ा तो इसका मतलब क्वालिटी आपकी कम हो रही है, एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फर्दर एक कंप्लेंट रेट बढ़ेगा तो कस्टमर टर्नओवर होगा, कस्टमर छोड़ के जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो इसको आपको जरूरत है कंट्रोल करने की, क्योंकि ये क्वालिटी से रिलेटेड बात है और क्वालिटी का तलब फ्यूचर से होता है, जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर होते हैं उनको फ्यूचर से रिलेट करते हैं, ऐसा होगा। इस तरह और नंबर ऑफ क्लाइंट इनका कोई तल्लक नहीं क्वालिटी से, ठीक क्वालिटी से एक ही चीज रिलेटेड है, अदर चीज ये है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज देखते हैं आप कौन से, कंप्लेंट आपका रिसोर्स नहीं, रिसोर्स वो होता है जिसे आप यूज करते हैं, जैसे मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, जैसे स्टाफ है आपका, मतलब जो चीजें रिसोर्स। फीमेल क्लाइंट नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर फॉर फीमेल क्लाइंट, पहले आपके पास 4 स्पेशलिस्ट पर्सन थे, उन्होंने 8,000 क्लाइंट को डील किया था, 8,000 को 4% रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है आउटपुट ओवर इनपुट, 4% इनपुट करके 8,000 को डील किया तो पर पर्सन ने 2,000 क्लाइंट डील किया, इस मरतबा आपका 6,800 है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कम है, ये भी ज्यादा है क्लाइंट 1,360, यानी कस्टमर कम हुए हैं जबकि स्टाफ बढ़ा है, तो जिसकी वजह से 1,360 जो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन आ गई, पहले यानी आपका 1% ज्यादा 2,000 लोगों को डील करता था, आप 1,360 तो रिसोर्सेज आपके फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे, पहले से लेस यूटिलाइज हो रहे हैं, ऐसी सूरत में जो है वो फ्यूचर कास्ट बढ़ती रहती है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं है। मेल क्लाइंट का भी देख रहे हैं, मेल के लिए 3,425, तो जबकि हेयर ड्रेसर मेल का एक ही है, तो 3,425, अब मेल में मेल के जो आपका स्टाफ है उसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर है कि 1% ने 3,425 लोगों को डील किया, जबकि फीमेल के स्टाफ ने पर स्टाफ ने 1,360 लोगों को किया, ये हाफ हाफ से भी ज्यादा डिफरेंस है कि मेल, क्योंकि मेल का वर्क भी सिंपलर है, इस वजह से भी ज़्यादा वो ज्यादा लोगों को डील करेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्क है इनके दरमियान आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी तक तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेल के इंस्पेक्शन से फ्यूचर इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस फ्यूचर में जो है वो कम होगी, अगर इन्होंने एनवायरमेंट कंट्रोल ना किया, कोई सेग्रीगेट ना किया, जैसे होता है मेल सर्विसेज का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, फीमेल का अलग बना दिया, अभी के लिए अल्लाह।